मसाला गर्लफ्रेंड और स्पाई नॉवल्स की कहानी के बीच में ये सोचा है कि ये पूरा पीएनबी स्कैम क्या था और मेहुल चौकसी और नीरव मोदी ने इसको किया कैसे, या फिर ये लोग ऐसे क्राइम्स करने के बाद फ्रांस में जाके अपनी वाइन एंजॉय क्यों नहीं करते और एंटीगा क्यों भागते हैं, और एंटीगा के पासपोर्ट में ऐसी क्या ताकत है कि सारे लोग वहीं पे खींचे चले आते हैं, और जब हमारे देश की सरकार इतनी मेहनत कर रही है इन लोगों को वापस लाने के लिए तो इस एक्सट्रेडिशन प्रोसेस में इतना टाइम क्यों लगता है, और अगर सपोज करो कि कोई बाहर से भाग के इंडिया आ जाए तो उसकी एक्सट्रेडिशन प्रोसेस क्या होगी। अगर ऐसे ही क्वेश्चंस के बारे में तुम सोचते हो तो बिल्कुल सही जगह आया, क्योंकि इस वीडियो में मैं और मेरा फ्रेंड निकुंज इन्हीं सारी बातों में डिस्कस करेंगे बहुत ही सिंपल और इन्फॉर्मेटिव वे में, तो ट्यून इन टू इट। हाँ तो भाई निकुंज ये बताओ, ये पूरा दिस होल मेहुल चौकसी नीरव मोदी स्कैम इन शॉर्ट क्या था, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड अबाउट इट। सो दो उसमें बांट सकते हैं, वन वाज द फाइनेंशियल स्कैम जो इंडिया में हुआ और अब जो चल रहा है वो बाहर के देशों में चल रहा है, एंड इंडिया इज कोऑर्डिनेटिंग विद द अथॉरिटीज ऑफ दोस कंट्रीज। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्कैम क्या था जिसने इसको लीड किया, तो देयर इज अ थिंग कॉल्ड लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, LOU बोलते हैं उसको पार्लेंस, लोकल पार्लेंस में। सो वो होता क्या है कि इंडिया का कोई बैंक है, एंड दिस इज नॉट जस्ट इंडिया का कोई बैंक है, किसी भी एक सिस्टम होता है स्विफ्ट करके बोलते हैं उसको, ठीक है, सिस्टम फॉर वर्ल्ड वाइड दिस थिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को वो रिकॉर्ड करता है। ठीक है, तो LOU में क्या करता है कोई बैंक, जैसे सपोज करो इंडिया कोई SBI है, मैं बाहर से कुछ सामान मंगवाना चाहता हूँ, सपोज इस केस में ये था, मैं इसी केस पे चल रहा हूं, अगर इन्होंने बाहर से डायमंड इंपोर्ट करने थे सो दैट दे कैन मॉडिफाई देम इनटू अ हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, तो बाहर से अगर आपको किसी से कुछ मंगाना है तो उनकी करेंसी में पैसा देना पड़ेगा। बिल्कुल, तो क्या करते हैं कि जैसे SBI दो काम कर सकता है, या तो SBI की फॉरेन ब्रांच हो वहां पे, या फिर उस कंट्री में कोई अलग बैंक हो उसकी ब्रांच। SBI ने बोला उस ब्रांच उस बैंक को कि मैं तुम्हें इतने 1000 करोड़ का तुम मुझे फंड दो और उसके बिना पे मैं तुम्हें एक LOU दूंगा। दैट LOU व्हाट इट सिग्निफाइज इज कि सपोज करो 15 दिन की रीपेमेंट लिमिट है, वो 15 दिन बाद मैं तुम्हें वो रीपे कर दूंगा विद इंटरेस्ट। और तीसरा उसकी लेग क्या होगी ट्रांजेक्शन की, जो जिसने मेरे से फंड लिया है SBI से, मेहुल चौकसी इन दिस केस, मेहुल चौकसी मुझे दे देगा वापस, मतलब पैसे कहते से चेंजिंग ऑफ हैंड्स है, ए टू बी, बी टू सी। हाँ, तो ये बेसिकली एक केस था कि मेहुल चौकसी ने, इस केस में PNB था, मेहुल चौकसी ने PNB से पैसा लिया, PNB ने LOU इशू किया बाहर वाले बैंक को, बाहर वाले बैंक ने PNB को पैसा दिया, PNB ने वो पैसा मेहुल चौकसी को दिया, मेहुल चौकसी वाज सपोज टू गिव दैट मनी बैक टू PNB, बट दैट नेवर हैपेंड। बट मेहुल चौकसी क्या करता था, जो थोड़ा सा अगर आप इसकी वो करें एनालॉगस देखें तो जो हर्षद मेहता स्कैम में था कि जैसे ही एक LOU एक्सपायर होने लगता था वो दूसरे LOU को उसको ले आता था, उसके पैसे वापस कर देता था, वन मोर LOU गॉट जनरेटेड, जैसे दोस्तों होता कि भाई, हाँ जैसे कि भाई 15 तारीख को पैसे दूंगा, 30 तारीख को दूंगा, वो होते जाता है, अभी पैसे दे दे साथ ले लेना वाली बात, तूने मेरे से पैसे लिए बेसिक लाइन, तेरे पास है नहीं देने को, तू किसी और से लेके मेरे को दे देगा, फिर उसका कर्जा हो जाएगा, उसको पैसे देने किसी और से कर्जा लेके उसको दे देगा, सो बेसिकली रोलिंग ऑफ ट्रांजेक्शन हो जाता है। दैट वॉज दी होल केस। तो इस केस में मतलब, एंड देयर वाज सेवरल हंड्रेड्स ऑफ दीज LOUs, अच्छा सिंगल ब्रांच राइट, एक्सपायर नहीं हुए थे दिस, हाँ मतलब अभी तक वो एक्सपायर नहीं हुए थे, तो अभी तक कुछ ऐसा गलत नहीं हो रहा था, बट हुआ क्या कि जब पता लगा कि ये LOU रिकॉर्ड नहीं हो रहे थे PNB के, उसमें PNB का जरिए कोर बैंकिंग सिस्टम वो हर बैंक में होता है, CBS वॉज नॉट इंटीग्रेटेड विद दिस स्विफ्ट सिस्टम, सो वॉट कुड एक्चुअली हैपन एंड वॉट डिड हैपन इज CBS में एंट्री के बिना PNB के ऑफिशियल्स ने स्विफ्ट में एंट्री कर दी, सो बिकॉज देर वॉज नो ये इंटरेक्शन बिटवीन CBS एंड स्विफ्ट, तो ऑडिट में पता नहीं लग पाया, ऑडिट की कमी थी, और फिर ये हो गया कि स्किप द ऑडिट, गेम हो गया। फिर मेहुल चौकसी जी निकल गए बाहर देश से, और बाहर बिफोर द फाइलिंग ऑफ द फर्स्ट FIR ही वॉज आउटसाइड द कंट्री, जनवरी 2018 में आई थिंक ही वाज आउट, उसने वो नवंबर, हाँ नवंबर 2017 में आई थिंक वो चला गया था, और जनवरी 2018 में न्यूज ब्रोक आउट हुई, राइट। तो उसने क्या किया, ही अप्लाइड फॉर सिटीजनशिप ऑफ अ कंट्री नोन एज एंटीगा, सो दिस इज बेसिकली द होल थिंग, मतलब पैसे की LOU इशू करते गए एक से दूसरे, दूसरे से तीसरा, कभी कोर बैंकिंग सिस्टम में अपडेट नहीं हुआ तो लोकल ब्रांच में जो चल रहा है वो चल रहा है, क्योंकि एक ही ब्रांच में सब कुछ चल रहा था, तो सेंट्रलाइज ऑडिट में भी पता नहीं चल पाया, दिस इज मोर ऑर लेस द थिंग। अब हम आते हैं जो तूने बोला कि यार ये बंदा भाग गया एंटीगा,
नो व्हाट मेक्स मी क्यूरियस इज कि जब भी मैं सुनता हूँ ना ऐसी कोई चीजें, ये सारे लोग जो है एंटीगा से नीरव मोदी आई गेस इज इन ब्रिटेन, तो ये लोग ऐसी कंट्रीज में क्यों भागते हैं? व्हाई डोंट दे गो टू फ्रांस और व्हाई डोंट दे गो टू द यूएस, या फिर ऐसी कंट्रीज में क्यों नहीं जाते, सिर्फ यहीं पे क्यों जा रहे हैं? दैट इज व्हाट मेक्स मी क्यूरियस. सो मल्टीपल रीजंस हैं, मतलब क्या होता है, कुछ क्रिमिनल्स जो होते हैं, दोज हू हैव कमिटेड क्राइम्स, सपोज नॉट अ फाइनेंशियल क्राइम एज सच, कोई और क्राइम किया है, सपोज रिलीजियस क्राइम, टेररिस्ट क्राइम, वैसा कुछ, दोज जनरली रन टू कंट्रीज इन द यूरोपियन यूनियन और दैट काइंड ऑफ थिंग. क्यों? क्योंकि वहां पे ह्यूमन राइट्स का बहुत ज्यादा बोलबाला है उन कंट्रीज में. तो ये लोग क्या बोलते हैं वहां जाके कि हमारे ह्यूमन राइट्स का हनन होगा अगर हमें इंडिया भेज दोगे वापस, तो वहां पे चले जाते हैं. जो फाइनेंशियल क्राइम्स करते हैं दे जनरली गो टू दीज कैरिबियन आइलैंड्स, केमैन आइलैंड्स, पनामा, ये वाला जो सेंट्रल अमेरिका वाला, मतलब पाप करने के भी अलग अलग वो है कि भाई तरीके हैं. अगर बड़े क्राइम के तरीके तो यूरोपियन यूनियन एचआर, सॉरी नॉट एचआर, ह्यूमन राइट्स, और अगर आप यू डू समथिंग रिलेटेड टू फाइनेंस एंड ऑल देन यू फ्ली ऑफ टू दीज प्लेसेस, दीज कंट्रीज. तो उसका क्या रीजन है कि फाइनेंशियल वाले इधर क्यों जाते हैं? वन ऑफ देम इज इन कंट्रीज में, स्पेशली ये जो कैरिबियन आइलैंड्स हैं, इनमें आपको सिटीजनशिप लेने के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है सर. जैसे इंडिया में कोई रिक्वायरमेंट होती है कि इतना दिन आपको स्टे करना पड़ेगा तभी आपको सिटीजनशिप मिलेगी, और नेचुरलाइज होना पड़ेगा या रजिस्ट्रेशन, देर आर मेनी वेज ऑफ गेटिंग सिटीजनशिप इन इंडिया. इन कंट्रीज में क्या है, आप पैसा दो, देर इज अ इन्वेस्टमेंट काइंड ऑफ डोनेशन बोल सकते हैं उसको, दैट रन्स टू अराउंड $200,000. उतना पैसा दो, इनके एक सॉवरेन फंड होता है उसमें, एंड यू कैन जस्ट गेट अ सर्टिफिकेट, मतलब ऐसा जैसे आपने कुछ खरीद लिया हो, बेसिकली आप सिटीजनशिप खरीद रहे हो, अगर मोटा मोटे बोले तो ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन है, इट्स अ ट्रांजैक्शन. सो सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट बोलते हैं इसको. तो ये बहुत इजी है, कुछ करना नहीं पड़ेगा, कुछ ज्यादा वो है नहीं, तो इसलिए ये बहुत इजी है. ऑल्दो चेक्स होते हैं कि कोई बंदा वो करके ना भागा हो, कोई स्कैम करके, और तो इंटरपोल वगैरह में चेक होते हैं, बट बात क्या थी, मेहुल चौकसी पहले ही भाग गया एफआईआर से. राइट, क्योंकि वो जनवरी में ये सब हुआ है, इट ब्रोक आउट आफ्टर दैट, वो ही न्यू, आई गेस आफ्टर दैट ही नोस कि कुछ तो भाई होने वाला है, तो इससे पहले ही निकल जाओ, क्योंकि अगर अगर ऐसा होता, दैट इज माय अंडरस्टैंडिंग, तो इंटरपोल यानी इंटरनेशनल पुलिस है ना, आई गेस उसका क्या फुल फॉर्म है इंटरपोल का, मतलब इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं. हाँ, तो इंटरपोल पे अगर लुकआउट नोटिस इशू हो जाता तो मे बी उसको सिटीजनशिप नहीं मिल पाती. हाँ, मतलब वहां पे चेक होता है तगड़ा, तो नहीं हो पाती, पहले ही कट लो, जब बाद में फ्लैग्स आए तो वो तो भाई केस है, हो गया, हो गया, जब सिटीजनशिप होगी तो फिर कुछ नहीं कर सकते. This brings me to my next question. अभी जितना ये सब कुछ चल रहा है इतना, तो इसमें और भी दो तीन रीजन और हैं कि why do they go to these countries, मतलब वो है. तो one of the reasons is कि इन कंट्रीज का, कैरिबियन आइलैंड्स के कंट्रीज का पासपोर्ट बहुत पावरफुल है, मतलब मोर पावरफुल देन इंडिया एंड ऑल. इन शॉर्ट में अगर तुम मुझे बता पाए क्या, व्हाट डू यू मीन बाय पावरफुल? जैसे एंटीगा का मैंने पढ़ा था, तो एंटीगा का 132 कंट्रीज में यू कैन ट्रेवल विदाउट वीजा. ओह गुड, तो बहुत कमाल का पासपोर्ट है. तो मतलब होल यूरोप, शेंगन एरिया, मतलब ऑस्ट्रेलिया एंड ऑल, मतलब आप मन किया फ्लाइट बुक करे, चलो बिना वीजा के. वाह, बिकॉज यू होल्ड अ पासपोर्ट ऑफ दीज कंट्रीज. तो ये बहुत एक बड़ी चीज है. फिर बिजनेस वाले क्यों जाते हैं, एक और रीजन उसका ये है, इन कंट्रीज में डायरेक्ट टैक्स नहीं है कोई भी, इनकम टैक्स वगैरह, कोई इनहेरिटेंस पे टैक्स नहीं है, कोई कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं है, कोई डायरेक्ट टैक्स नहीं है, जो भी गुड्स और सर्विसेज खरीदने पे टैक्स मिलता है. तो दे आर आल्सो टैक्स हेवंस, बड़ा सोच समझ के. तो मतलब नॉट जस्ट यू आर एस्केपिंग द लॉ ऑफ दैट कंट्री, यू आर आल्सो एंटरिंग अ टैक्स हेवन. सो तुम अपना वहां पे बिजनेस चला भी सकते हो और तुम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा. एंड मतलब क्या कहते हैं, जो आपने वो $200,000 दिए थे, तीन चार तरीके होते हैं. तो वन इज मतलब डिपॉजिटिंग इनटू देयर फंड, एक ये तरीका भी कि वहां किसी बिजनेस में पैसा लगा दो. तो इतनी प्योर ट्रांजैक्शन है कि मतलब एक के बदले दो, दो के बदले चार, ऐसा कुछ मिल रहा है आपको, कि बच भी रहे हो, सिटीजनशिप भी मिल रही है, अच्छा पासपोर्ट भी मिल रहा है, और वहां की इन्वेस्टमेंट भी हो रही है, तो आपके रिटर्न भी आएंगे. तो बेसिकली अगर आप यहां से कुछ किए, इफ यू वांट यू कैन आल्सो गो. भैया मेरे को
यहाँ से मैं नेपाल तक तो आज तक गया नहीं हूँ कभी, एंटीगा की बात कर रहा है बड़ा ही जाओ नहीं बस अच्छा दिस वाज दैट नाउ दैट थिंग्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि इतना हमारी गवर्नमेंट एफर्ट डाल रही है, सब लोग इतना कुछ कर रहे हैं कि यू नो वी कैन ब्रिंग दिस फ्यूजिटिव्स बैक, व्हाई इज द एक्सट्रेडिशन प्रोसेस सो डिफिकल्ट, इनको वापस लाना कि मतलब व्हाई इज दैट प्रोसेस सो डिफिकल्ट, इतने एफर्ट्स कर रहे हैं सब हो रहा है बट लीगली व्हाट कुड बी द रीजन। तो जस्ट एक मैं ब्रीफ लाइन अगर ब्रीफ वो दूं कि एक्सट्रेडिशन है क्या। सो आपको कहीं बाहर जाना है किसी दूसरे कंट्री में, सो वीजा से जाते हो नॉर्मली। तो एक्सट्रेडिशन क्या है कि अगर नॉर्मल चले जाओ वीजा 14 दिन के या जितने दिन में एक्सपायर हो जाएगा आप वापस आ जाओ, दिस इज अ नॉर्मल ट्रांजेक्शन। एक्सट्रेडिशन क्या होता है, क्राइम करके गए हो, जैसे इंडिया से आप ये इसी केस में लेते हैं, इंडिया से एंटीगा चले गए, क्राइम करके गए हो, अब इंडिया में बोला जाता है कि इसको वापस करो क्योंकि इस बंदे ने यहाँ पे क्राइम किया है। सो देयर हैज टू बी एन एक्स्ट्रा डिटेबल क्राइम विच इज कमिटेड इन इंडिया, मतलब नॉट इवन इन इंडिया रादर कि विच कैन बी पनिश्ड इन इंडिया, मतलब इंडिया की आई हिंदी या इंग्लिश में बोलेंगे मतलब बेसिकली समझ नहीं आया, एक्स्ट्रा डिटेबल मतलब इंडिया का जैसे आईपीसी है। सो अगर कोई क्राइम होता है आप उस बंदे को तभी बुला सकते हो कि वो क्राइम ऐसा होना चाहिए जो, जैसे सपोज करो आपने कोई ऐसा क्राइम किया जिसकी सजा ही सिर्फ 10 दिन की है, इंडिया के लॉ के हिसाब से दैट इज नॉट एन एक्सट्रेडिटेबल क्राइम। इंडिया का एक लॉ है एक्सट्रेडिशन एक्ट 1962। ओके ओके एक सेकंड सॉरी, उसमें ये कहा गया, हाँ सॉरी मैं तो काट रहा हूँ, मतलब बेसिकली दो कैटेगरी ऑफ क्राइम हो गई, एक क्राइम है जिसको करके आपको वापस लाया जा सकता है विच वुड फॉल अंडर दैट लॉ जो जिसमें शायद डिफाइंड होंगे उस लॉ के अंडर, इन इन क्राइम्स के अंडर आप किसी को बाहर से ला सकते हो, और कुछ क्राइम्स ऐसे हैं जैसे सपोज सिंपल चोरी हो गई कहीं से 1000 रुपए लेके भाग गया, और अगर 1000 रुपए लेके से कहीं एंटीगा भाग गया तो एक्सट्रेडिशन के अंदर नहीं आएगा तो उसको नहीं ला सकते, ऐसा कुछ है? हाँ, so basically 1000 रुपए लेके भागो तो भी एक्सट्रेडिशन में आ जाओगे, बट रॉन्ग एग्जांपल। कुछ ऐसा क्राइम जिसमें जैसे शराब पी के आप पब्लिक में घुस जाओ, ओके दैट इज अ क्राइम इन इंडिया आईपीसी में। लेकिन वो और एक ट्रिविया ऐसा है कि दैट इज द लीस्ट the crime with the least amount of punishment, 1 महीने की वो होती है उसमें सजा। So unless की 1 साल की punishment हो किसी crime में, मतलब 1 साल से, 1 साल या 1 साल से ऊपर होना चाहिए तभी वो crime extraditable है according to Indian law। Okay, this is तो अगर आप शराब पी के बाहर दंगा करो और एंटीगा का भाग जाओ तो आप पे कुछ नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू फॉर दैट एडवाइस। So ये एक वो होता है, तो क्यों करते हैं, मतलब एक्सट्रेडिशन का क्या है बेसिकली फंडा, कोई भी क्राइम कहीं भी हो रहा है इट शुड नॉट गो अनपनिश्ड, ये एक ऐसा फिलॉसफी है जो सब कंट्रीज इसको सब्सक्राइब करते हैं। तो यही फिलॉसफी इज द ग्राउंड फॉर एक्सट्रेडिशन। तो एक्सट्रेडिशन का एक मोटो होता है, मतलब एक लैटिन टर्म है, ऑट पिनरे ऑट डिटिरे, ओके उसका क्या मतलब है, या तो अपने यहां पनिश करो उस कंट्री को हम बोलते हैं, या तो अपने वहां पनिश कर लो या फिर हमें दे दो हम करेंगे, ओके ये फंडा है। तो इसीलिए और क्या होता है, अब क्या है देखो, ये तो हमने एक्सट्रेडिशन सेट कर दिया, हाउ टू इंप्लीमेंट इट, हाउ इज इट टू बी इंप्लीमेंटेड, क्योंकि अब दूसरा कंट्री आ गया। और इंटरनेशनल लॉ में अगर आप यूएन चार्टर देखो, दैट इज द क्या कहो, वन ऑफ द मेन प्रिंसिपल या स्टैट्यूट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, उसमें सबसे पहला प्रिंसिपल इज, प्रिंसिपल लिखे हुए आर्टिकल 2 में ऑफ यूनियन चार्टर, यूएन चार्टर में उसमें सबसे पहला प्रिंसिपल है सोवरेन इक्वालिटी ऑफ नेशंस, ठीक है। तो आपने कुछ भी कर दिया ना, अगर आप दूसरे कंट्री में हो तो ये वाला कंट्री ये नहीं बोल सकता कि एज अ मैटर ऑफ राइट आप उस बंदे को वापस भेजोगे, नहीं, जैसे आप उस कंट्री में एंटर होगे ना उस कंट्री की सोवरेन इक्वालिटी है, चाहे फिर वो दूसरा कंट्री छोटे से छोटा बांग्लादेश हो और मांगने वाला बड़े से बड़ा यूएसए हो, यूएसए कैन नॉट डिमांड कि बांग्लादेश वो करे, यूएसए कैन रिक्वेस्ट बांग्लादेश, या फिर हेलीकॉप्टर भेज के जैसे मतलब वो अगर कर लो तो अलग है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन अदरवाइज एक्सट्रेडिशन में रिक्वेस्टिंग और वो जितना मेरे समझ में आ रहा है, मतलब ऑल्दो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ सभी से सब्सक्राइब करते हैं कि कोई भी क्राइम कहीं भी हो शुड बी पनिश्ड, बट एट द सेम टाइम ये जो तूने यूएन का आर्टिकल चार्टर का आर्टिकल 2 बोला है उसके हिसाब से सोवरेनिटी के हिसाब से हर नेशन इज इक्वल, तो एक बार अगर वो किसी की लैंड में घुस गया देन इट कैन नॉट ओनली से कि नहीं हमारा सिटीजन है या कुछ है वापस दो, नहीं, जो उस कंट्री का लॉ है वो चलेगा। तो यू हैव टू फॉलो दैट लॉ, यू हैव टू मेक अ रिक्वेस्ट, दैट रिक्वेस्ट विल बी एक्सीडेड टू, जैसे इंडिया में अगर इंडिया का एग्जांपल बताऊं
तो अगर कोई कंट्री इंडिया में बोलता है किसी बंदे को भी एक्स्ट्राडाइट कर दो इसको इंडिया से हमारे कंट्री में, तो इंडिया में पूरे प्रोसीजर लेड डाउन है एक्स्ट्राडिशन एक्ट में. क्या कहता है कि पहले वो रिक्वेस्ट आएगी, हम उस रिक्वेस्ट को वो एग्जामिन करने के लिए मजिस्ट्रेट को बिठाएंगे, मजिस्ट्रेट रिपोर्ट देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन लेगी कि वेदर टू एक्स्ट्राडाइट और नॉट. तो इंडिया में प्योरली लीगल एक्ट नहीं है देखा जाए तो. मजिस्ट्रेट अगर ये भी बोल देना कि हाँ कर दो, इंडियन गवर्नमेंट कैन टेक अ कॉल कि नहीं करते, सब्जेक्टिव हो जाता है. अब इट इज अ पॉलिटिकल एक्ट काइंड ऑफ सर्टेन लेवल. चलिए तो यूएसए में भी है, यूके में भी है. ये तो तूने बहुत सही समझा दिया कि एक्सट्रेडिशन क्या होता है, क्यों होता है. और तो अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है एग्जैक्टली मतलब? तो अभी प्रॉब्लम क्या है कि जैसे इसका एक इसमें एक छोटा सा वो ट्रिविया है, आप देख रहे होगे, आप लोग जब न्यूज में पढ़ रहे होगे, तो तीन कोर्ट्स का नाम आ रहा है. जो हमारे कंट्री में तीन कोर्ट्स होती है बेसिकली, उन तीनों का नाम आ रहा है. मजिस्ट्रेट कोर्ट का भी नाम आ रहा है डोमिनिका की, क्योंकि अब क्या हुआ इस केस में कि जो हमारे मेहुल चौकसी थे वो एंटीगा से भाग गए डोमिनिका. इसमें एक और थोड़ा सा ट्रिविया क्या है कि देर आर टू कंट्रीज, वन इज डोमिनिकन रिपब्लिक, वन इज डोमिनिका. लोग इसी में कंफ्यूज हैं. मैं भी कंफ्यूज हूं, अभी पता चला. सो डोमिनिकन रिपब्लिक इज नॉट द वन वी आर कंसर्न्ड विद. वी आर कंसर्न्ड विद डोमिनिका. ठीक है. सो डोमिनिका इज अराउंड 100 नॉटिकल माइल्स अवे फ्रॉम साउथ ऑफ दिस एंटीगा. ठीक है. तो वहां पे भाग गए वो. अब जब तक वो एंटीगा में थे, ही हैड द प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. जैसे इलीगल एंट्री हुई, ये जो कंट्रीज है ना, दे आर वेरी पर्टिकुलर कि हमारे कंट्री से कोई इलीगल एग्जिट नहीं करेगा. क्योंकि पासपोर्ट का एक तरह से वायलेशन हुआ ना, कि बिना पासपोर्ट कैसे निकल गए इंडिया से. अगर तुम बिना पासपोर्ट के बाहर निकल जाओ तो इंडिया की सॉवरेंटी पे चैलेंज हो जाएगा ना. तो दीज कंट्रीज आर वेरी पर्टिकुलर. जैसे ही वो बाहर निकला, एंटीगा की एंटीगा के जो वो है लोग, मतलब इंडिया की प्राइम मिनिस्टर एंड गवर्नमेंट, वो अगेंस्ट हो गए बिल्कुल मेल चौकसी के. वही तो इलीगल तरीके से निकल गए देश से. हाँ, अब वो कह रहे हैं कि भेजो इसको इंडिया ही वापस भेजो. एंड दे हैव स्टार्टेड अ प्रोसीजर ऑफ रिवोकिंग हिज सिटीजनशिप इन इंडिया. हाँ, वो डोमिनिका चला गया. हाँ, जैसे भी गया, वी विल नॉट गेट इनटू दोस गवर्नमेंट ऑल दोस थिंग्स. ठीक है. हाँ, अब वो डोमिनिका चला गया. हाँ, डोमिनिका में जैसे आया, डोमिनिका में इलीगल एंट्री हो गई. हाँ, तो ही गॉट अरेस्टेड फॉर दैट थिंग. तो अभी वो डोमिनिका में है. अभी वो डोमिनिका में है. राइट. अरेस्टेड है. हाँ, उस पे तीन जगह पे हम देख रहे पढ़ रहे हैं. हाँ, मजिस्ट्रेट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट. अब लोग बोलेंगे ये क्या चल रहा है, तीनों कोर्ट्स में केसेस क्यों चल रहे हैं डोमिनिका के. तो एक डोमिनिका के. हाँ, तो इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग वो क्या है कि बेसिकली वहां की जो सुप्रीम कोर्ट है, दैट इज कॉल्ड द ईस्टर्न कैरेबियन सुप्रीम कोर्ट. ठीक है. उस कोर्ट के दो डिवीजन है. वन इज द कोर्ट ऑफ अपील, वन इज द हाई कोर्ट. ठीक है. हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस बोलते हैं उसको. सो बेसिकली हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, उस तरह से देखा जाए तो. हमारे कंट्री में हमें लगता है कि हाई कोर्ट मतलब एक हायरार्की है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट. वहां पे ऐसा नहीं है. अच्छा. पे मतलब बेसिकली वहां की वो सुप्रीम कोर्ट जो है ना, ईसीएससी, ईस्टर्न कैरेबियन सुप्रीम कोर्ट, दैट इज एक्चुअली नॉट सुप्रीम. उसका नाम सुप्रीम है बट वो है नहीं, मतलब वो है नहीं. उसकी अपील जो है, दैट गोज टू कैरेबियन कोर्ट ऑफ जस्टिस. सो वहां पे बेसिकली इंडिया के सुप्रीम कोर्ट का एनालॉगस इज हाई कोर्ट, कैरेबियन कोर्ट ऑफ जस्टिस. कैरेबियन कोर्ट ऑफ जस्टिस, सॉरी. हां, इंडिया के हाई कोर्ट का ही सुप्रीम कोर्ट, काइंड ऑफ उल्टा है. तो वैसा सीन है, वैसा सीन है, अजनबी टाइप का. तो वैसा सीन है. तो बेसिकली अब उस पे केस चल रहा है दो जगह पे, तीन जगह पे नहीं चल रहा है. वो देखने में लगता है कि तीन जगह पे चल रहा है, दो ही जगह पे चल रहा है, मैजिस्ट्रेट कोर्ट एंड हाई कोर्ट. मैजिस्ट्रेट कोर्ट में किस लिए है कि बिकॉज ही एंटर्ड इलीगली. हाई कोर्ट में किसने, मैजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रहा है स्टेट ने चलाया कि इलीगल क्यों एंट्री हुई. हाई कोर्ट में चल रहा है उस बंदे ने बोला हेबियस कॉर्पस. ठीक है. कि मेरे को डिटेन कर लिया गया इलीगली, प्लीज फ्री मी. ठीक है. तो उसकी जो है अभी थोड़ी मतलब इंडिया वाले भाग गए थे, मतलब इंडिया के लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज वेंट देयर टू डोमिनिका. उनको लगा कि हमें मिल जाएगा और हम इसको वापस ले आएंगे, लेकिन वहां पे स्टे लगा दिया ऑन हिज एक्सट्राडिशन टिल आई थिंक 3-4 हफ्ते का टाइम दिया. हाँ, जो भी मतलब टाइम दिया. तो तब तक वो नहीं कर सकते, इसलिए इंडिया वाले वापस आ गए. ठीक है. ठीक है. तो अब ये बात है कि इतना मुश्किल क्यों है ये चीज, क्योंकि वहां की सोवरेन इक्वालिटी का सवाल है. हम ला नहीं सकते, हम सिर्फ उनको बोल सकते हैं कि दे दो. एंड एक जो थोड़ा पेचीदा चीज हो गई ना, कभी भी एक्सट्राडिशन आपने देखा होगा, जो भी हमने आज तक केसेस देखे, जैसे अबू सलेम का केस सुना होगा. ठीक है. अभी क्रिश्चियन मिशेल एक इंडिया में आया था अभी पिछले साल. ये सब केसेस क्या है, जहां पे लोग गए थे, दे वर नॉट सिटीजन ऑफ दैट कंट्री. उन कंट्रीज ने असाइलम दिया हुआ था इनको. ठीक है. या फिर उन कंट्रीज ने सिर्फ पकड़ा था. सिटीजनशिप इज अ लीगल थिंग, कि तुम उस कंट्री के बाशिंदे हो.
तो यहाँ पे चटक गया कि बहुत सारे कंट्रीज ना कहते हैं कि अगर नेशनैलिटी है तो नहीं हम वापस देंगे, हम सिर्फ तभी वापस देंगे जब असाइलम होगा, तो अभी व्हेन ही इज नॉट अ सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। तो अभी अभी जब जस्ट इन मिनट इफ यू कैन टेल मी सो दैट वी कैन यू नो कीप इट क्रिस्प कि डोमिनिका का तो सिटीजन है नहीं, तो ये मोस्ट प्रोबेबली असाइलम सॉर्ट ऑफ कैटेगरी में आएगा, तो फिर किस हिसाब का स्टे क्विकली? नहीं अभी क्या ये दिस इज नॉट इवन एन असाइलम, डोमिनिका डजंट वांट हिम, ही इज मतलब ही इज नॉट वेलकम इन डोमिनिका। तो अब एंटीका क्या बोल रहा है, एंटीका क्या बोल रहा था पहले, और मेहुल चौकसी के लॉयर्स क्या बोल रहे हैं कि इसको एंटीका डिपोर्ट, एंटीका एक्सट्राडाइट करो, एंटीका भेजो, बिकॉज ही इज अ सिटीजन ऑफ एंटीका, नॉट टू इंडिया, बिकॉज ही इज नॉट नो लॉन्गर अ सिटीजन ऑफ इंडिया। बट ये आर्गुमेंट गलत है, ये आर्गुमेंट ये अज्यूम करता है कि आप सिर्फ तभी एक्स्ट्राडाइट हो सकते हो जब आप इस कंट्री की सिटीजन हो, जब इंडिया का सिटीजन हो तभी एक्स्ट्राडाइट हो, ऐसा नहीं है। एक्स्ट्राडिशन इज नॉट बेस्ड ऑन सिटीजनशिप। देन एक्स्ट्राडिशन का मतलब है कि अगर क्राइम हुआ है मेरी कंट्री में, आई हैव अ राइट टू अप्लाई फॉर एक्स्ट्राडिशन, मिले ना मिले अलग बात है, एप्लीकेशन का राइट मुझे है, इंडिया को है, तो इंडिया का सिटीजन नहीं है, एंड दैट इज अग्रीएबल कि इंडिया का सिटीजन वो नहीं है। जो लोग ये बोल रहे हैं कि उसका पासपोर्ट क्या सरेंडर का एप्लीकेशन, कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि उसने सरेंडर किया पासपोर्ट, इंडिया हैज नॉट एक्सीडेड दैट रिक्वेस्ट, वो ऐसा नहीं होता। इंडिया में एज सून एज ही टेक्स पासपोर्ट ऑफ एनदर कंट्री, अपने आप टर्मिनेशन हो जाती है ऑटोमेटिक, कुछ करने की जरूरत नहीं है। पर चाहे हमारे सिटीजन हो ना, हमारे सिटीजन हो ना हो, वी हैव द राइट कि हम लोग एप्लीकेशन देके तो वापस दो, गलत हुआ यहां पे, वापस दो। हां तो ये जो उनकी वो है प्रेयर, ये गलत है। तो ही कैन बी एक्सट्राडाइटेड टू इंडिया, वो क्या कह रहे हैं इसको एक्सट्राडाइट करो एंटीगा में, क्योंकि ही इज एन एंटीगन सिटीजन, हम मना कर रहे हैं, और अब एंटीगा के प्राइम मिनिस्टर और ये सब भी मना कर रहे हैं, कहते हम नहीं लेंगे इसको। तो ये सारा इशू आया है इसमें। ओके, सो दैट इज व्हाई इट इज गेटिंग स्ट्रेच्ड, जबकि इतना सब कुछ कर रहे हैं। इन शॉर्ट अगर हम बताना चाहे, जस्ट वन बताओ। While I am on this topic of extradition, just to क्या कहते हैं थोड़ा सा इसको अम्ब्रेला करने के लिए, extradition के तीन चार principle होते हैं। extradition कब दी जाती है? पहली बात, extradition सिर्फ criminal offence के लिए दी जाती है, ठीक है? तुमने कोई और काम कर दिया, तुमने कुछ पेनल्टी लग गई तुम पे, उसके लिए extradite नहीं करा सकते। सेकेंडली, दैट जो उसने offence किया है, that should be punishable in both the countries। अगर वो एंटीगा में पनिशेबल नहीं होगा ना, या डोमिनिका में पनिशेबल नहीं होगा, तो इंडिया नहीं मान सकता उसको, दोनों कंट्रीज में पनिशेबल होना चाहिए। और एक ये चीज अबू सलीम केस में आई थी, तीसरी जो चीज है, रूल ऑफ स्पेशलिटी बोलते हैं इसको। okay. आपने जिस क्राइम के लिए उसको मांगा है, आप उसके अलावा किसी क्राइम के लिए वो उसको ट्राई नहीं कर सकते। अच्छा, तो अबू सलीम के टाइम पे, क्योंकि उसको यूरोप से मांगा था, पोर्चुगल, ही वाज इन पोर्चुगल, यूरोप में क्या है डेथ पेनल्टी पे बहुत कंट्रीज वो है, दे डोंट वांट डेथ पेनल्टी। तो पोर्चुगल ने जब एक्स्ट्राडाइट किया था, पोर्चुगल ने ये बोला था कि इसको हम तभी भेज रहे हैं ऑन द कंडीशन कि इसको डेथ पेनल्टी नहीं मिलेगी, इसीलिए इंडिया ने उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट दिया है, अदरवाइज इंडिया कुड हैव गिवन हिम डेथ पेनल्टी। कई प्रिंसिपल्स हैं, सोवरेनिटी का केस आ जाता है, अभी जैसे डोमिनिका के कोर्ट ने स्टे दिया है, तो इसके वजह से ये प्रोसेस पूरी खींची, मतलब दैट इज होल अबाउट एक्सट्रेडिशन एंड ऑल दैट, कई तरीके से एक्सट्रेडिशन होता है। सो ये जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन, वरना इट वुड गेट वेरी लॉन्ग सेशन, जो मैं चाहता नहीं हूँ। वन लास्ट थिंग, कि अभी ये, डू यू हैव एनी आइडिया, अभी ये पर्टिकुलर केस कौन से एक्सट्रेडिशन के, इन तीनों में से कौन से केस के अंदर आएगा? इज इट अ क्रिमिनल ऑफेंस इंडिया में? इंडिया में क्रिमिनल ऑफेंस होना ही चाहिए, वरना एक्सट्रेडिशन हम अप्लाई ही नहीं कर सकते। ओह, सो इट्स सॉर्ट ऑफ अ प्रीरिक्विजिट। हां, और ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग है, क्योंकि उसने वो पैसा, वो हम ये मान रहे हैं कि बाहर, क्योंकि उसने वो किया, तो इट इज अंडर मतलब मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट जो एक्ट है, और वहां पे भी डोमिनिका में भी ये चीज तो होगी, तो इसलिए डोमिनिका हमें भेज सकता है, तो देयर इज नो बार टू। थैंक्स यार, ग्रेट, मतलब आई नेवर न्यू ऑल दीस थिंग्स। पहले तो डोमिनिका रिपब्लिक और डोमिनिका में डिफरेंस, एंड दिस ऑल एक्सट्रेडिशन में इतनी चीजें, बिकॉज इट्स सो क्लमजी ना, समझ में नहीं आता। हम लोग न्यूज में सुन तो लेते हैं कि हेडलाइंस ही आ रही है, बट एक्जैक्टली क्यों एक्सट्रेडिशन इतना लंबा चल रहा है, जब हम इतने एफर्ट्स डाल रहे हैं, हम चार्टर्ड प्लेन भेज रहे हैं शायद, और ये सब कर रहे हैं, व्हाई डज इट टेक सो लॉन्ग? सो दैट वाज रियली cool. और ये जो एक जो छोटी चीज है, जो हमारे इतने कह रहे थे कि चार्टर्ड प्लेन गया और इतना खर्चा करने की जरूरत थी, कोई भी कंट्री आपको एक्सट्रेडिशन नहीं देगा जब तक आप अपने ऑफिशियल्स नहीं भेजोगे। सो दैट वाज अ प्रीरिक्विजिट, मतलब दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ सोवरेनिटी ना, सोवरेनिटी की थोड़ा ना उसको एक्सट्रेडिशन कर दोगे, बंदा कहेगा हाँ मैं, चलो मैं इकोनॉमिक क्लास फ्लाइट पकड़ के चला जाता हूं कंट्री में, ना तो यू नीड अ मतलब सेट ऑफ योर ऑफिसर्स टू गो देयर।
चल ब्रो थैंक्स यार, तूने इतना कॉम्प्लेक्स टॉपिक इतने कम टाइम में बहुत सिंपलीफाई कर दिया मेरे लिए, और आई होप सो जो भी इसको देखेगा। सो चीयर्स ब्रो, चल थैंक यू, थैंक यू, ओके बाय।